11 जून 2020 को जब लालू अपना 73वां जन्मदिन मना रहे थे, तब जेडीयू के मंत्री नीरज कुमार ने एक ऐसा खुलासा किया जिसको सुनकर सबके कान खड़े हो गए। उन्होंने एक खुलासा करते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव का तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के अलावा एक तीसरा बेटा भी है, जिसका नाम है तरुण यादव। लालू के जन्मदिन पर सत्ताधारी जेडीयू की तरफ से आरजेडी लालू और उनके परिवार पर जोरदार हमला बोला जा रहा है। कोई ठगी का आरोप लगा रहा है तो कोई घोटाले का, तो कोई बेनामी संपत्ति होने का। इसी सिलसिले में नीरज कुमार ने ये दावा किया कि लालू ने तरुण यादव नाम के एक शख्स के नाम पर जमीन खरीदी है और जमीन के दस्तावेज के अनुसार वो लालू यादव का तीसरा बेटा है। नीरज कुमार का ये भी कहना है कि तेजस्वी और तेज प्रताप की तरह उस शख्स का नाम भी हिंदी के अक्षर त से शुरू होता है। आखिर कौन है तरुण यादव, कहाँ है वो, क्या वो लालू प्रसाद यादव का दत्तक पुत्र है? इन सभी पर लालू को सफाई देनी चाहिए। आरोपों का सिलसिला यहीं नहीं रुका। नीरज कुमार ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव का जन्म 1989 में हुआ था। लालू ने 1993 में तेज प्रताप के नाम जमीन लिखवा दी थी। रजिस्ट्री एक्ट में प्रावधान है कि नाबालिग के नाम जमीन लिखवा रहे हैं तो गार्जियन का नाम देना होगा। लालू ने जमीन तो बेटे के नाम लिखवा ली, लेकिन गार्जियन के रूप में अपना नाम नहीं दिया। इन दावों को लेकर आरजेडी की तरफ से फिलहाल कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन जवाब का इंतजार हर कोई कर रहा है। इसके अलावा सत्ताधारी दल जेडीयू की ओर से लालू यादव के 73वें जन्मदिन के मौके पर 73 जगहों पर लालू यादव की संपत्ति की लिस्ट निकाली गई। पटना में लगे इस पोस्टर में लालू के 73वें जन्मदिन के मौके पर दिखाया गया है कि किस तरीके से उन्होंने 73 साल में 73 अकूत संपत्ति की संख्या तैयार की है। इस पोस्टर की टैगलाइन है, लालू परिवार का संपत्ति नामा, 73वें जन्म दिवस पर 73 संपत्ति श्रृंखला। आरजेडी लालू यादव को जन्मदिन पर जितना अच्छा दिखाना चाह रही है, जेडीयू उतनी ही कोशिश कर रही है कि उन्हें बुरा दिखाया जा सके। इस साल बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और दोनों ही दल एक दूसरे की खामियां गिनाने में लगे हैं। हर कोई खुद को सही और सामने वाले को गलत दिखाने की कोशिश में जुटा नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।